This is Rizwan Bhai. You can ask him anything about Reno 8 Pro 5G. Hello guys, Oppo showroom exclusive showroom Vishwanth Padi se live. कल ही रेनो 8 प्रो लॉन्च हुआ है. आपको रेनो 8 प्रो के बारे में कोई भी क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हो. ये कंपनी ऑथोराइज शोरूम है, आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको ऑफर्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे. और अगर आपको कोई मोबाइल वगैरह ओप्पो का परचेज भी करना है तो आप ओप्पो शोरूम विश्रांतवाड़ी में कभी भी विजिट कर सकते हो. ओप्पो रेनो 8 प्रो और रेनो 8 की सीरीज लॉन्च हुई है. तो सर, गाइस, फ्रेंड्स, सब विश्रांतवाड़ी ओप्पो शोरूम में आप विजिट कर सकते हो. ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रेनो 8 प्रो का लाइव पीस आपको मिल जाएगा देखने के लिए. रेनो 8 प्रो जो है इसका प्राइस लॉन्च हुआ है 46,000, इसका प्राइस लॉन्च हुआ है. और यहाँ पे आप देख सकते हो रेनो 8 प्रो भी लॉन्च हुआ है. इसका जो प्राइस है 30,000 में लॉन्च हुआ है. जैसे कि आप इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह देख सकते हो. रेनो 8 प्रो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको रेनो 8 प्रो में जो है 8GB का रैम, जिसमें आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 5GB रैम, और प्लस आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है. और इसकी खासियत ये है कि आपको इसमें 80 वैट का फास्ट चार्जर मिलने वाला है, जिसकी बैटरी 4500 रहेगी. मैक्सिमम आप अगर 11 मिनट भी अगर इस फोन को चार्ज करते हो तो 11 मिनट में आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा. और इसमें आपको प्रोसेसर जो है डायमंड सिटी 1300 का प्रोसेसर दिया हुआ है 3.0 GHz के स्पीड में. तो काफी स्पीड प्रोसेसर दिया हुआ है. 6 NM की चिपसेट इसमें आपको मिलने वाली है. फिर इसके बाद में आप इसमें देख सकते हो सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा, काफी फ्लैगशिप इसमें सोनी के सेंसर दिए हुए. इसमें जो है आपको सोनी का 709 सेल्फी सामने मिलने वाला IMX, और बैक कैमरे में अगर आप देखते हो तो सोनी का 766 का आपको इसमें सेंसर मिलने वाला है, जो काफी फ्लैगशिप सेंसर है. अभी तक किसी ब्रांड में ये लॉन्च नहीं हुआ है. अगर इसके डिस्प्ले की बात अगर आप करते हो तो इसका डिस्प्ले जो है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है. इसमें गोरिल्ला ग्लास 5th generation इसमें रहेगा. इसका रिफ्रेश रेट अगर देखते हो आप तो 120, इसका जो डिस्प्ले रिफ्रेशमेंट आपको मिलने वाला है 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है आपको इसमें. और काफी अच्छा और शानदार इसका लुक आप देख सकते हो. यूनी बॉडी डिजाइन इसमें आपको मिलने वाली है, जहां पे आपको पूरा जो बैक पैनल रहेगा आपको सिंगल पार्ट में आपको इसका पैनल आप देख सकते हो. कहीं से डस्ट वगैरह वाटर वगैरह जाने का आपको इसमें टेंशन नहीं रहेगा. और इसका स्लिम डिजाइन दिया हुआ है एकदम. अगर मैं आपको बताऊं दोनों फोन में क्या डिफरेंट है, तो इस दोनों फोन में जो आपको डिफरेंट मिलने वाला है वो ऐसा रहने वाला है. इसमें आपको 12GB 8 Pro और 8 दोनों में आपको फर्क मैं आपको बताने वाला हूँ. लाइव आया हूँ, अगर आपको कोई क्यूरीज रहेगी तो आप इसमें लाइव आके मुझे चैट करके भी बता सकते हो, मैसेज करके भी बता सकते हो. दोनों में जो फर्क रहेगा, आप 8 प्रो अगर लेते हो तो 8 प्रो में जो है आपको डायमंड सिटी 8100 का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है, जो 3.0 GHz का स्पीड रहेगा. अगर इसकी जो चिपसेट होती है, जो किस इस चिपसेट में ये लॉन्च हुआ है प्रोसेसर, तो ये आपको 5 NM की चिपसेट में ये लॉन्च हुआ है प्रोसेसर. और अगर प्रोसेसर की बात अगर 8 की बात करते हो तो 8 में आपको डायमंड सिटी 1300 का प्रोसेसर मिलने वाला है, वो 6 NM की चिपसेट पर काम करने वाला है. ये हो गया प्रोसेसर रेनो 8 प्रो का. काफ़ी फास्ट और स्पीड और बहुत ज़्यादा यूनिक दिया हुआ है अभी तक. ये अगर इसके अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो रेनो 8 प्रो का प्रोसेसर जो है डायमंड सिटी 8100 का, तो स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में अगर देखते हो
तो 888 का जो प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन का, 888 जो लोगों को ज्यादा पसंद आता है, बट इसका जो ये प्रोसेसर है, अगर स्पीड की बात अगर आप करते हो तो आपको स्नैपड्रैगन का जो है स्पीड एंटीटु बेंचमार्क जो होता है जिसमें आपको पता चलता है कि क्यों कौन से प्रोसेसर की कितनी स्पीड है, तो आपको डायमंडसिटी 8100 में 820000 इसकी स्पीड रहेगी। जबकि आप अगर 888 की बात करते हो स्नैपड्रैगन, तो आपको 888 स्नैपड्रैगन में आपको 800000 की स्पीड होती है, जिससे देखा जाए तो ये 20,000 ज्यादा ही स्पीड इसकी मिल जाएगी आपको। दूसरा जो है रैम रोम, 12GB रैम LPDDR5 इसमें आपको मिलने वाला है। LPDDR5 अभी फ्लैगशिप रैम नया लॉन्च हुआ है जो आप देख सकते हो। आप इससे अगेंस्ट इससे पहले जो भी फोन थे LPDDR4 वगैरह के आपको इसमें आपको प्रोसेसर मिलते थे, बट आपको इसमें LPDDR5 का रैम मिलने वाला है, 12GB रैम, 7GB रैम एक्सपेंशन। अगर इसमें आप देख सकते हो तो UFS जो होता है जिसमें आपको ज्यादा इंटरनल स्टोरेज यूज करने के लिए मिलता है, तो इसमें आपको UFS 3.1 मिलने वाला है। और उसी के साथ में अगर आप रेनो 8 की बात करते हो, रेनो 8 में जो है आपको 8GB का रैम, 5GB रैम एक्सपेंड कर सकते हो आप, और उसमें आपको 128GB इंटरनल आएगा। 8GB रैम में आप 5GB रैम एक्सपेंड कर सकते हो। ये जो है सॉरी गाइस, मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैं इतनी स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी अगर बात करते हो तो मैं डिस्प्ले के बारे में दोनों फोन के आपको डिफरेंट बताने वाला हूँ। डिस्प्ले जो है रेनो 8 प्रो का जो है 6.7 इंच का डिस्प्ले आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसमें रहेगा। और इसमें जो है स्क्रीन रेशो, ये होता है ना जैसे बॉडी में स्क्रीन रेशो कितने परसेंट आया है, तो इसमें जो है 93.4% आपको स्क्रीन रेशो मिलने वाला है। अगर PPI अगर देखते हो, PPI के ऊपर बहुत ज्यादा आप ख्याल रखना कभी भी मोबाइल लेते हो। PPI से क्या होता है, आपका डिस्प्ले जो है ब्राइट और ज्यादा क्वालिटी मिलती है, तो इसका PPI भी आपको मैं बताना चाहूंगा, 394 इसका PPI मिलने वाला है। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 6.7 इंच का PPI इसका जो है 394 दिया हुआ है। गोरिल्ला ग्लास, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें गोरिल्ला ग्लास की बात करते हो तो गोरिल्ला ग्लास आपको इसमें 5 जनरेशन का इसमें मिलने वाला है। वही आप रेनो 8 की अगर बात करते हो तो इसमें आपको 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट रहेगा 90Hz। 8 प्रो में आपको 120Hz का मिल रहा है और यहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। इसकी स्क्रीन टू बॉडी की बात करते हो तो इसमें कितने परसेंट स्क्रीन मिलने वाला है आपको, 90.8% आपको इसमें स्क्रीन रेशियो मिलने वाला है। और PPI जो है आपको इसमें 1409 का आपको PPI इसमें मिलने वाला है। और दूसरी बात जो है, अगर सेल्फी कैमरे की अगर बात करते हो तो आज क्रेज है सेल्फी कैमरे का बहुत ज्यादा, हर किसी को अच्छा कैमरा, अच्छा फोटोग्राफी, अच्छा फोटो निकालने वाला कैमरा चाहिए, तो ओप्पो तो आप देख ही रहे हो। ओप्पो जो है सेल्फी का क्रेज अगर आप देखते हो तो इंडिया में ओप्पो ने ही लॉन्च किया है सेल्फी का क्रेज, तो आप यहाँ पे आप सेल्फी के बारे में मैं आपको रेनो 8 प्रो और 8 में जो है फर्क डिफरेंट वो आपको मैं बताने वाला हूँ। वैसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों में आपको जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिसमें सोनी का IMX709 फ्लैगशिप आपको प्रोसेसर चिपसेट इसमें मिलने वाली है। सोनी का IMX709 का सेंसर आपको इसमें दोनों में आपको सेम ही मिलने वाला है। और अगर इसमें जो लेंसेस होते हैं, अगर इसमें आप लेंस की बात करते हो तो आपको इसमें आपको लेंस 5P लेंस मिलने वाले है। अपेचर अगर देखते हो तो इसमें 2.4 दोनों का सेम ही अपर्चर मिलने वाला है। जैसे आपको पता ही होगा अपर्चर जितना ज्यादा जितना कम होता है आपको उतना फोटो वगैरह एकदम ज्यादा ब्राइट और डिटेल में आप फोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हो। ये हो गया सेल्फी कैमरा, ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है। अगर इसके बैक कैमरे की बात करते हो तो बैक कैमरे में इसमें आपको 50 मेगापिक्सल, पहले तो मैं रेनो 8 प्रो 5G के बारे में बताऊंगा, फिर रेनो 8 के बारे में बताऊंगा। रेनो 8 में जो है आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जो कि उसके जो लेंस है फ्लैगशिप लेंस इसमें यूज किए हुए फर्स्ट टाइम, तो इसका जो है बैक में जो है 766 सोनी IMX766 का फ्लैगशिप आपको इसमें सेंसर मिलने वाला है।
जिसका अपेचर रहेगा 1.8 काफी कम है। आप अगर इसमें फोटो कैप्चर करते हो तो डार्क कंडीशन में भी आपको काफी अच्छा और ब्राइट फोटो और डिटेल में आपको फोटो आपको मिलने वाले इसमें। वहीं अगर आप बात करते हो कि सेकेंड कैमरा जो इसका दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल जो है आपको वाइड एंगल के रहेगा, वाइड एंगल जो है आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। इसमें 2.2 का आपको अपर्चर मिलने वाला है आपको इसमें 8 मेगापिक्सल, वो भी 5P लेंस के साथ में। और अगर थर्ड कैमरे की अगर बात करते हो तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल मैक्रो का ऑप्शन मिलने वाला है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो जो है 2.4 अपर्चर की इसमें लॉन्च हुआ है इसका कैमरा, जो कि 3P लेंस इसमें आपको मिलने वाली है। तो कैमरा अगर स्पेशल अगर आप रेनो 8 प्रो अगर देख रहे हो तो रेनो 8 प्रो में एक नया बहुत ज़्यादा नया एक चीज़ लॉन्च हुई है जिसे कहते हैं मैरी सिलिकॉन जो है अभी तक किसी ब्रांड ने अभी तक लॉन्च नहीं किया हुआ है। अभी फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में जो है रेनो 8 प्रो में आपको मैरी सिलिकॉन मिलने वाला है। मैरी सिलिकॉन का बेनिफिट ये है कि आप 4K वगैरह में अगर फोटो वगैरह कैप्चर कर रहे हो तो 4K में आप HDR भी यूज़ कर सकते हो और नाइट वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, इसका ये बेनिफिट है। और जैसे आपको अदर ब्रांड में जो है फोटो कैप्चर करने के टाइम पे फोटो का जो प्रोसेस करता था पहले प्रोसेसर करता था, अब जो है फोटो के लिए पर्सनल मैरी सिलिकॉन एक चिपसेट TVS 6NM की जो कि आपको बेटर फोटो आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको मैरी सिलिकॉन जो है 8 में नहीं मिलने वाला है। 8 की अगर बात करूँ तो आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 इसमें भी आपको सेंसर मिलने वाला है, प्लस इसमें जो है 1.8 का अपेचर इसमें भी मिलने वाला है 7P लेंसेज के साथ। दूसरा जो है आपको 8 मेगापिक्सल का जो इसमें कैमरा मिलने वाला है, कैमरा जो है आपको 8 मेगापिक्सल का इसमें भी वाइड एंगल ही आपको मिलने वाला है, वाइड एंगल जो है 2.2 का आपको इसमें अपर्चर मिलने वाला है 5P लेंस के साथ में। और जो थर्ड कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का इसमें मिलने वाला है जो कि 2.4 अपर्चर के साथ में आपको इसमें मिलने वाला है, और इसमें जो है 2.4 का अपर्चर प्लस इसमें 3P लेंसेस आपको मिलने वाली है। ये हो गया कैमरे का पार्ट। अगर आप इसकी बात करते हो चार्जिंग और बैटरी की तो दोनों फोन में आपको सिमिलर आपको 80W का फास्ट चार्जर मिलने वाला है। इंडस्ट्रीज फर्स्ट 30,000 और 46,000 में आपको 80W का फास्ट चार्जर मिलने वाला है जो कि 5 लेयर प्रोटेक्शन सेफ्टी के साथ में आपको मिलने वाला है। हाँ, जैसे कि आप अगर 80W का फास्ट चार्जिंग अगर आप एग्जांपल 5 मिनट भी अगर चार्ज करते हो आप इस फोन को तो 5 मिनट में आप 2 hours तक आप इसमें गेमिंग कर सकते हो। 2 घंटा 5 मिनट चार्ज 2 hour गेमिंग टाइम। और अगर आप 11 मिनट अगर इस फोन को आप चार्ज करते हो रेनो 8 सीरीज को तो 11 मिनट में आपका फोन जो है 50% चार्ज हो जाएगा। 11 मिनट ओनली 11 मिनट में आपका फोन 50% चार्ज हो जाएगा। दोनों फोन आपको जो है 80W का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है जिसमें आपको 5 लेयर प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है, क्योंकि आजकल क्या होता है बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग देने के बाद फोन का गर्म हीट होने का वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें आपको 5 लेयर प्रोटेक्शन सेफ्टी भी दी हुई जो कि आपको 2 अडेप्टर में और 3 फोन में आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका फोन कंडीशन जजमेंट करके आपका फोन चार्ज करेगा, हीट नहीं होने देगा, एकदम प्रॉपर आपका फोन सेफ रहेगा। और इसमें कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, कॉपर और ग्रेफाइट का कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, आपका फोन हीट नहीं होगा। अगर इससे मैं आपको बैटरी की बात करूं तो बैटरी आपको दोनों फोन में 4500 बैटरी मिलने वाली है जो कि आपको एक वन डेज आप आराम से फुल यूज कर सकते हो। इस बैटरी को आप फुल करने के लिए आपको 30 मिनट अबाउ के आसपास आपको टाइम मिलने वाला है, आप इसमें फुल चार्ज कर सकते हो 30 मिनट में। 11 मिनट में 50%, बाकी के 15 मिनट या 14 मिनट में आपको फुल चार्ज हो जाएगा। अगर इसके अगर आप बात करते हो एंड्रॉयड और कलर OS वर्जन जो ओप्पो ने खुद अपना एक OS सिस्टम बनाया हुआ है तो इसमें आपको 12.1 का कलर OS सिस्टम आपको मिलने वाला है जो कि एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस रहेगा। ये जो है आपको सेम दोनों फोन में आपको सेम ही मिलने वाले 12.1 कलर OS
एंड्रॉयड 12 के ऊपर। थर्ड जो है मैं आपको बताऊंगा उसकी कलर के बारे में बता देता हूँ। कलर जो है आपको इसमें एक 8 प्रो जो अगर आप देखते हो तो आपको ग्लेज ग्रीन और ग्लेज ब्लैक आपको इसमें कलर मिलने वाला है, और अगर रेनो 8 अगर देखते हो तो आपको शिमर गोल्ड और शिमर ब्लैक कलर आपको इसमें मिलने वाला है। तो गाइस अगर कोई इंटरेस्टेड हो फोन रेनो 8 सीरीज, तो इसमें आपको ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं अभी फिलहाल। जैसे कि ऑफर में आप देख सकते हो आपको जो है SBI क्रेडिट कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो कोटक, IDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और वन कार्ड, IDFC कार्ड, फेडरल, तो आपको इसमें 10% का कैशबैक मिलने वाला है। 6 मंथ नो कॉस्ट EMI, प्लस आज इसका सेकेंड डे है और कल इसका थर्ड डे रहेगा, तो आपको लॉयल्टी के हिसाब से आपको, अगर आप ओप्पो का ही फोन यूज कर रहे हो पहले से, तो आपको 6 मंथ ऑल कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन भी आपको इसमें प्रोवाइड किया हुआ है फर्स्ट 3 डेज सेल के लिए। तो इसमें आपको जो है 10% कैशबैक प्लस 6 मंथ का आपको कंप्लीट ऑल डैमेज का प्रोटेक्शन आपको मिलने वाला है। और थर्ड, अगर आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हो तो वन टाइम पेमेंट में आपको 5% इंस्टेंट कैशबैक का ऑफर पेटीएम पे चल रहा है सर। अगर आप स्पेशली ओप्पो एक्सक्लूसिव शोरूम से ये फोन परचेस करते हो तो बेनिफिट आपको ये है कि आपको हर पूरे फोन में जितने भी फीचर्स, जो भी सेटिंग्स, जो भी फोन का यूज, जो नया कंपनी ने कुछ दिया है, आपको हर चीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आपको यहाँ पे हर चीज सिखाई जाएगी, बताई जाएगी किस तरह से आपको ये फोन यूज करना है। और अगर आफ्टर वारंटी में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह अगर आती है, जैसे कोई भी वारंटी में दिक्कत वगैरह आती है, तो आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आफ्टर सेल सर्विस भी ओप्पो शोरूम विश्रांतवाड़ी एक्सक्लूसिव शोरूम में आपको मिलने वाली है। सेम आप ऑनलाइन या ऑफलाइन से लेते हो कहीं से, वही फोन आप अगर ओप्पो शोरूम से लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो गाइस किसी को अगर कोई सवाल क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो मैं इसका आपको कलर वगैरह बता देता हूँ, लुक बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये जो है ग्लेज ग्रीन कलर दिया हुआ है। अगर इसकी बैक पैनल की अगर बात कर रहे हो तो इसमें जो है आपको ग्लास डिजाइन मिलने वाला है, यूनिबॉडी में ग्लास डिजाइन। ये जो है गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। फ्रंट में भी आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 5 मिलने वाला है, और अगर बैक की बात करते हो तो बैक में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 ही मिलने वाला है। ये देख सकते हो आप, बड़ा यूनिक डिजाइन इस बार कंपनी ने दिया हुआ है। इंडस्ट्री में फर्स्ट यूनिबॉडी डिजाइन आपको इसमें मिलने वाली है। और अगर ब्लैक कलर आपको इसमें बताओ तो ब्लैक कलर, 1 मिनट, ब्लैक कलर शेयर बाय ब्लैक कलर, ब्लैक कलर भी बड़ा ही अट्रैक्टिव और यूनिक दिया हुआ है। ओप्पो शोरूम विश्रांतवाड़ी जय गणेश विश्व कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 1-2 विजिट कर सकते हो गाइस, अगर किसी को ओप्पो रेनो 8 प्रो अगर लेना है तो। ऑल फाइनेंस भी अवेलेबल है आपको, बजाज फाइनेंस, HDFC फाइनेंस, IDFC फाइनेंस, अगर कुछ करना है तो फाइनेंस वगैरह भी आप कर सकते हो ओप्पो शोरूम से। क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑल अवेलेबल है। ओके गाइस, हैव अ गुड डे। अगर आपको रेनो 8 सीरीज परचेस करनी है तो विश्रांतवाड़ी जय गणेश विश्व कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 1 और 2 में आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और कुछ आपकी क्यूरीज रहेगी, क्वेश्चंस रह गए, कुछ आपको
दिक्कत रहेगी तो आप यहाँ पे आके विजिट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाय।